तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी बिहार दरोगा का 1275 पद का जो बहाल वैकेंसी आया था उसका भी फिजिकल हो रहा। वाइज लोग का फिजिकल खत्म हो गया। वाइज लोग का जो फिजिकल था वो 10 जून से लेकर 14 जून था। अभी गर्ल्स लोग का फिजिकल चल रहा, 15 से स्टार्ट था गर्ल्स लोग का। 16 को संडे के कारण छुट्टी था और 17 तारीख को बकरीद था। आज 18 तारीख का, आज फिर से रनिंग स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, हम गर्दानी बाग से जाकर आप लोग को हर एक चीज का अपडेट देते रहते हैं कि कैसा वहाँ पास ट्रैक है, कैसा वहाँ पास हाइट मेजर कर रहा, मतलब सारा कुछ वहाँ पास, हाई जंप कैसा हो रहा, लॉन्ग जंप कैसा हो रहा, शॉर्ट पुट कैसा हो रहा, सारा कुछ दिए थे। बहुत कैंडिडेट लोग क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कब का ले रहा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें जो लिखा हुआ था कि आपका अगस्त 2023 का पहले का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हम वहाँ रिव्यू लिए थे तो बहुत सारे कैंडिडेट लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट डेट था, यानी कि 10 जून को बोला जा रहा था कि यहाँ पास ले रहा था 2023-24 का। लेकिन जैसे ही 11 जून आया था, 11 जून का भी एक वीडियो डाला होगा जिसमें बोल रहा था कि जो करंट मांग रहा है, यानी कि 23-24 है तो ठीक है, नहीं भी है तो करंट आप जमा कर दीजिए। अगर आपके पास पुराना है, यानी 23-24 का भी नहीं है, करंट भी नहीं है, पुराना है, तो आपको 18 तक डेट था, आज 18 तक डेट दिया गया था जमा करने के लिए कि आप करंट बना करके ले लाइए, जब आपके पास 2023-24 का नहीं है तब। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि अभी लोग के पास ईमेल आ रहा है, जो लोग करंट जमा किए जा करके या फिर नहीं भी जमा किए हैं, उनके पास ईमेल क्या आ रहा है कि चाहिए जो ईडब्ल्यूएस वो आपको 23-24 का ही चाहिए, ना तो करंट चलेगा ना तो पहले का चलेगा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगस्त से पहले के चाहिए, क्योंकि अगस्त 2023 में फॉर्म आया था उससे पहले का ही ईडब्ल्यूएस चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का जो ईयर होता है 2023-24, यानी 2023 के मार्च से लेकर 2024 के मार्च तक, ये होता है ईयर। तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि अगस्त 2023 का पहले का होना चाहिए, लेकिन अभी जो ईमेल आ रहा है जिसमें लिखा रहा है कि 2023-24 ईयर का चाहिए, ना तो करंट चाहिए ना तो पहले का चाहिए, और आपको 20 तारीख तक बीपीएससी ऑफिस में जाकर के सबमिट करना है 20 जून तक के। आज 18 जून है, 2 दिन आपके पास और टाइम है। तो अभी आपके पास अगर मान लिया जो भी कैंडिडेट है जिनके पास अगर नहीं है 23-24 का, उस टाइम तो करंट के लिए बोल दिया था कि करंट लेंगे, लेकिन जिनके पास 2023-24 का नहीं है वो क्या करेंगे, क्योंकि अब तो करंट भी नहीं मांग रहा और नहीं पहले वाला मांग रहा, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था जो 2023-24 था वही चाहिए। अब बहुत सारे लोग का आ रहा है इस पे क्वेश्चन कि मेरे पास ना तो करंट है, यानी करंट बनवाए भी है तो करंट तो अब वहां लेगा नहीं, और मेरे पास 23-24 का भी नहीं, तो मेरे को क्या होगा, हमें फेल कर दिया जाएगा या हमें फिर, या फिर मेरा जो रिजल्ट होगा वो जनरल से किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट लगेगा वो जनरल से लगेगा। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर आ। तो दोस्तों, ये जो ईमेल है, ईमेल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप जमा नहीं करिएगा तो फेल हो जाइएगा या तो फिर आपको जनरल से फाइट करवाया जाएगा। उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस जमा नहीं किए हैं तो 20 तारीख तक बीपीएससी ऑफिस में आकर के जमा कर दे, बस ईमेल में यही लिखा हुआ है। ये ना लिखा हुआ कि अगर आप जमा नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट, आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो जनरल से दिया जाएगा या तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो जो नहीं जमा कर पाए जाकर के जमा कर दीजिए। अगर जो करेंट भी अगर ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 2023-24 का ना भी है तो कम से कम करेंट ही ले जाकर के जमा करिए, कुछ तो होगा ना। अगर ना भी होगा तो जनरल से ही देगा रिजल्ट, या तो फिर हो सकता है कि करेंट वाले एक्सेप्ट करके देते। लेकिन अभी जो ईमेल आ रहा है उसमें यही बोला गया कि 23-24 वाले ला करके जमा करे, लेकिन जिनके पास 23-24 वाला ना वो भी जाइए और करंट जाकर के जमा करिए। 18 तक डेट दिया था जमा करने के लिए, तो आज जो करंट बना है वो आज जाकर के जमा करिए। 18 को जो डेट दिया गया था वो गर्दानीबाग में ही जमा करना था, लेकिन जो अभी ईमेल पर जो डेट दिया गया 20 तारीख है, और गर्दानीबाग में नहीं, आपको ऑफिस में जाकर कार्यालय में जाकर जमा करना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।